नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। वाराणसी मढ़ुआ ढीह रेलवे स्टेशन का बुरा हाल, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर जड़ दिया गया ताला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बनारस, जो कि पहले मढ़ुआ ढीह रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था, यहां करोड़ों रुपए की लागत से पैसेंजर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन उन सुविधाओं पर आज भी ताला लटक रहा है। रेलवे का भी दावा है कि यहाँ पर विस्तृत सुविधाएं पैसेंजर्स को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ बेहतर सुविधाएं बनारस रेलवे स्टेशन पर केवल कागजों में ही उपलब्ध कराई जाती हैं। यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर स्टेशन प्रशासन ने ताला जड़ दिया है, जिससे यहाँ आने वाले यात्री सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आरपीएस समाचार की टीम ने बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जब यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पड़ताल शुरू किया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। पड़ताल में रेलवे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही साफ दिखी। प्लेटफार्म पर बने पुरुष व महिला वेटिंग रूम के गेट पर ताला लटका मिला। यात्री सुकून से ट्रेन की प्रतीक्षा करने की उम्मीद लेकर पहुँचते तो हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे पर लटक रहे बड़े से ताले को देखकर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मजबूरन उन्हें प्लेटफार्म पर बैठकर गाड़ियों का इंतजार करना पड़ता है। प्लेटफार्म पर बाहर से सुंदर सा दिखने वाला टॉयलेट तो बना था, लेकिन उसके गेट पर भी ताला लटक रहा था। इसके अलावा काशी के महत्व को दर्शाती हुए खूबसूरत पोस्टिंग भी बोरिंग सी हो रही है। इतनी अव्यवस्था के बाद भी रेलवे प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। बनारस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे आकाश, सौरभ, प्रतिमा, रामप्यारी आदि ने बताया कि दिल्ली जाने के लिए यहां से ट्रेन पकड़ना था, जिसके कारण एक घंटे पहले ही बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। सोचा कि वेटिंग रूम में जाकर आराम करें तो देखा कि ताला लटक रहा है। पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए उस पर ताला लगा दिया गया है, यह गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी।